यूपी के मेरठ में एक बार फिर से पलायन का मुद्दा गरमा गया है। शास्त्री नगर के एक सेक्टर में कुछ मकानों के बाहर बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। कॉलोनी में रहने वालों का आरोप है कि एक साजिश के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिससे कि वो मकान छोड़कर वहां से चले जाएं। बाइकों पे लड़के आते हैं कई कई सारे, और छेड़छाड़ लड़कियों के साथ में कमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह अगर ऐसी हरकत रही तो हम अपना मकान बेच के चला गए। रात में है क्योंकि जितना केस रात में होते हैं, कल भी रात ही हुआ था। जो हमने उनके थ्रू नहीं देखा, इसलिए ये उनको इश्यूज हो रहा है, उन्हें कमीशन नहीं मिला। एक एक बाइक पर चार चार लड़के आते हैं, ऐसे गंदे गंदे गाने, भद्दे भद्दे कमेंट कस के, और जब जाते हैं। मेरठ का ये मकान बिकाऊ है, ये मकान भी बिकाऊ है, इस मकान पर भी बिकाऊ होने के पोस्टर लगे हैं। पूरी गली में कई मकान ऐसे हैं जहां यही पोस्टर लगे हुए हैं। ये मेरठ का शास्त्री नगर इलाका है। शास्त्री नगर के सेक्टर 8 में 180 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, साथ ही करीब 15 परिवार दूसरे समुदाय के लोगों के भी हैं। लेकिन अचानक ये मोहल्ला सुर्खियों में आ गया है, और इसकी वजह है ये पोस्टर जिन पर लिखा है मकान बिकाऊ है। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि एक साजिश के तहत यहाँ रहने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिससे वो अपने मकान यहाँ से बेचकर चले जाएं। हम उतना खुल के नहीं रह पा रहे हैं जैसे हम रह रहे थे। क्यों नहीं रह पा रहे, क्या समस्या है? जब हमारे मकान बिक रहे हैं सबको, दूसरे समुदाय के लोग आकर के ना खरीद रहे हैं, रह रहे हैं, और बाइकों पे लड़के आते हैं कई कई सारे, और छेड़छाड़ लड़कियों के साथ में कमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से। अब इन्होंने परेशान तो हमें 1.5 साल से कर रखा है, लेकिन अब 6 महीने से ज़्यादा परेशान है। एक एक बाइक पर चार चार लड़के आते हैं, ऐसे गंदे गंदे गाने, भद्दे भद्दे कमेंट्स कस के, और जब जाते हैं, और मेरी चैन यहीं से तोड़ ली बाहर से लड़कों ने। कॉलोनी के लोग असामाजिक तत्वों से परेशान हैं। उनका आरोप है कि ये सब उन्हें यहाँ से भगाने के लिए किया जा रहा है। हम यहाँ पर कब तक है इनकी बातें, इसलिए हमने जो है इसका विरोध करा, और विरोध करने के बाद अपना मकान बेच देंगे। अगर ऐसी हरकत रही तो हम अपना मकान बेच के चला जाऊंगा। मैं तो यहाँ से मैं तो चला ही जाऊंगा, चाहे कोई जाए नहीं जाए, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन इस कहानी का एक पक्ष और है, ये है दीपक और भावना। इन्होंने ही अपना मकान बेचा है, एक और मकान बेचने की बात चल रही है। दीपक और भावना इन पोस्टरों को साजिश बता रहे हैं। हमारे को उससे पेमेंट देगा, हम उसको देंगे। हमारे को हमें जीएजी के इलाज के लिए इमीडिएट जरूरत पड़ी थी, हमें 5 लाख रुपए इकट्ठे दिया है जब बयाना, जो उनसे हमारा 23 लाख रुपए का तय हुआ हुआ है, जैसे आपकी दीदी ने बताया। अगर कोई हमें और वो देगा, हम उसको बेच देंगे हिंदू को, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जिन्होंने आपको एक मुद्दा बना के दिया है ना, हमने उनके थ्रू नहीं देखा, इसलिए ये उनको इश्यूज हो रहा है। उन्हें कमीशन नहीं मिला, जो 1 लाख रुपए हमने किसी प्रॉपर्टी डीलर को दिए हैं वो हमने उन्हें नहीं दिए। मैं मकान बेच रही हूँ 1 साल से लिखा हुआ, किसी हिंदू ने नहीं पूछा आप मकान बेच रही हो तो मुझे दे दो। अब क्या कह रहे हैं लोग, चाह रहे हैं कि मैं मकान हिंदुओं को बेचूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 23 लाख का मकान मेरा तय हुआ है, 1 लाख मेरा प्रॉपर्टी डीलर को गया हुआ है, 24 लाख जो दे आके हिंदू ले सकता है मकान।